हाय गाइज, वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल समरन्स कॉमर्स। अब कैसे हैं सभी? आई होप एंड विश कि सभी एस्पिरेंट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की असिस्टेंट प्रोफेसर जो हमारी वैकेंसी है उसकी प्रिपरेशंस चल रही होंगी। कन्फ्यूज़न है काफ़ी कि पेपर अक्टूबर में होगा या नहीं, या फिर अगर नहीं होता है तो कब होगा। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ एक चीज़, एक रिपोर्ट जिसका काफ़ी सारे कैंडिडेट को, ऑब्वियसली बात है कि हर कैंडिडेट को काफ़ी नहीं, सभी कैंडिडेट को वेट था कि हमारे सब्जेक्ट में कितने फॉर्म्स फिल किए गए हैं। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो गाइस, वीडियो में ऑल टाइम अगर आपको जानना है कि किस सब्जेक्ट में कितने फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं, तो मैं पहली बात बता दूं, यहाँ पर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को नहीं लिया है, मैंने कुछ फ्यू सब्जेक्ट्स को लिया है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके आप डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसी के लिए आप लोग वीडियो में पूरे टाइम बने रहिएगा, क्योंकि हमेशा बोलना पड़ता है, आप लोग पूरा देखते नहीं हैं। वीडियो में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है और आप लोग वही चीज़ें पूछते रहते हैं, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है मोस्ट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द PhD एंट्रेंसेज, ऑल दी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ राजस्थान बेसिकली। इसके अलावा जो कुछ पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं अदर स्टेट की, इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी। और एक मेरा वीडियो था जो मैंने बताया था कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो कैंडिडेट हैं, एज इट इज़ माई सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं उसके लिए बैच लेकर आने वाली थी, बट सॉरी गाइज वो किसी वजह से बैच आ नहीं पाया और उसके बाद मेरा वीडियो बनाना भी नहीं हो पाया। तो मैं ये बात पब्लिकली नहीं बोल पाई, बट जिसने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया मैंने उनको बताया था। सो उसके लिए सॉरी गाइज कि जो कोर्स था वो लॉन्च हो नहीं पाया, क्यों उसके रीजन्स रहे वो इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू रिवील, बट अभी के लिए तो वो चीज़ रिवील नहीं हो सकती है। एंड सीरियसली सॉरी कि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने मुझे मैसेज किया कि मैम वी आर वेटिंग फॉर योर बैच, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें मैं आपकी हेल्प कर नहीं पाई, बट उसके अलावा जो हेल्प हो पाई गाइज आई एम डूइंग और आगे भी मैं करती रहूँगी। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स मैंने लिए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर हम पहले सब्जेक्ट की बात करें तो गाइज़ यहाँ पर जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है बॉटनी। और बॉटनी में अगर हम कंप्लीट फॉर्म्स की बात करते हैं तो हमारे पास बॉटनी में फॉर्म्स फिल हुए हैं 6,434। और इसके साथ हम बात करें कि सीट्स कितनी थी गाइज, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 70 सीट्स हमारे पास थी और 6,434 यहाँ पर फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं। डिटेल में हम बात कर लेते हैं एक बार, अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो कंप्लीट हमारे पास 505 फॉर्म्स अप्लाई हुए हैं, जनरल कैटेगरी में 2,433। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो MBC वाला है उसमें 145, OBC क्रीमी लिया 35, नॉन क्रीमी में 2,146 और SC कैटेगरी 772 एंड जो ST कैटेगरी 397। कैटेगरी वाइज सीट कितनी थी ऑलरेडी हम लोग पहले वाले नोटिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी कैंडिडेट्स को नहीं पता तो गाइज आप साइट से या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके फिर कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि ये सब जो गणित होती है वो केवल एक मन की संतुष्टि वाली बातें हैं और कुछ नहीं है। जो कैंडिडेट सीरियस है ना वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचता कि किस में कितना फॉर्म अप्लाई हुआ है, क्या करना है, उसको एक ही अपना मोटिव दिखता है कि हाँ मेरी एक सीट वहाँ पर है, आइदर इट्स 100 ऑफ सीट्स और आइदर देयर इज वन सीट, ठीक है। वो लाइक वो कैंडिडेट्स होते हैं कि हमें बस ग्रैब करनी है, मुझे मेरी मेहनत करनी है, फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है, ठीक है। और फिर हम लोग एक मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस लगाते हैं वो केवल इसलिए है कि हाँ ठीक है, माइंड में संतुष्टि, हाँ ठीक है यार कि लाइक हमारे सब्जेक्ट में 100 सीट्स हैं, 4,000 फॉर्म्स भरे गए हैं, 50% लोग आएंगे, मतलब ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बहुत मेहनत नहीं करनी, तो वो सब चीज़ें हैं। खैर वो एक ह्यूमन टेंडेंसी के तौर पर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स है गाइस, और इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं यहाँ पर तो 5,310 हमारे पास जो है एप्लीकेशन आई हैं, यानी कि 5,310 लोगों ने आपके इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर एक बार बात कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में, तो EWS में 346 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जनरल कैटेगरी में 2,306 ने अप्लाई किया है। इसी के साथ अगर OBC क्रीमी में बात करते हैं तो 27, नॉन क्रीमी में 1,473, SC कैटेगरी 590 एंड ST कैटेगरी 472। और इसी के साथ गए जो ये डेटा मेरे सामने है और आप लोग देख पा रहे हैं, इसके अगर PDF चाहिए तो बहुत जल्द मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऑब्वियसली बात है इस PDF की रिक्वायर करेंगे। तो मैं बहुत जल्दी, नॉट पॉसिबल फॉर टुडे, बट ठीक है 2-3 दिन में मैं इसको है ना जो चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके बहुत अच्छे से अपना जो भी अगर डिटेल और आप देखना चाहते हैं चीज़ों की तो जान सकते हैं। इसी के साथ अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में गाइस आपके पास जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं वो है अप्रॉक्स 9,373 फॉर्म्स यहाँ पर आपके पास आए हैं। और अगर हम केमिस्ट्री की सीट्स की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में गाइस आपके पास सीट्स थी 81। और इसी के साथ इसमें भी हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितने फॉर्म्स हैं, तो EWS कैटेगरी की बात करते हैं 860, जनरल कैटेगरी में 3,100 में एक कम बहुत ईजी लैंग्वेज में 3,099 एक फिगर रह गया हमारा,
ओबीसी क्रीमी 53, और इसी के साथ हम बात करते हैं नॉन क्रीमी की, तो 3,464 फॉर्म्स यहाँ पर भरे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा एससी कैटेगरी 1,092, और इसी के साथ एसटी कैटेगरी 604। नेक्स्ट सब्जेक्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं, तो गाइज नेक्स्ट सब्जेक्ट में है हमारे पास सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरा सब्जेक्ट यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी हमारे पास 71 सीट्स थी और टोटल जो फॉर्म फिल हुए हैं वो 5,305 हुए हैं। कैटेगरी की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 508 फॉर्म्स फिल हुए हैं, और इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी है गाइस, जनरल कैटेगरी में हमारे पास जो फॉर्म फिल हुआ है वो है 2,417। नेक्स्ट है एमबीसी नॉन क्रीमी 113, और ओबीसी क्रीमी में है 23, ओबीसी नॉन क्रीमी 1,473 फॉर्म्स है आपके पास, एससी कैटेगरी में 533, और इसी के साथ एसटी कैटेगरी में 238। ठीक है, तो यहाँ पर गाइस ये जो चीज़ थी इसको आप देख सकते हैं अच्छे से, बट यहाँ पर कंपटीशन की हम बात करें तो जितने फॉर्म भरे गए हैं तो 100% अटेंडेंस तो ऑब्वियसली बात है नहीं रहने वाली, लास्ट टाइम भी नहीं थी, और ये चीज़ तो हमें राजस्थान जीके का जब पेपर होगा ना तो ही मालूम चल जाएगी कि राजस्थान जीके में जितने लोग बैठ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहीं पर परसेंटेज काफ़ी हद तक हमें मालूम चल जाती है। उसके बाद भी ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स ना अपने सब्जेक्ट में नहीं पहुँचते हैं बहुत बार, लास्ट टाइम भी बिजनेस एड की हम बात करें तो 22% या 23% ने कैंडिडेट्स ने ही अपना एग्जाम दिया था, और कुछ अप्रॉक्स 7,500 फॉर्म फिल किए गए थे। हालांकि पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार फॉर्म कम फिल किए गए हैं, रीज़न कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग, कुछ जो सब्जेक्ट्स उनमें फॉर्म ज़्यादा हैं कुछ में कम है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि इन सब चीज़ों पर फोकस ना करके अगर हम देखें तो मोटा मोटा कॉम्पिटिशन उन्हीं लोगों के बीच में होता है जो बहुत सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो इस चीज़ का वेट नहीं करते कि अब फॉर्म आ रहा है और अक्टूबर में पेपर है तो हम बस 2 महीने में तैयारी कर लें। जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे तरीके से जानते थे कि बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, प्रिपरेशन कर रहे थे। कुछ लोगों ने रिसेंटली भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया और वो लोग बहुत सीरियस है, तो ऑब्वियसली बात है कि उनसे हमारा कॉम्पिटिशन होता है, ना कि उन लोगों से कि हाँ ठीक है 50% अटेंडेंस रहेगी और हम लोग कर लेंगे 1-1.5 महीने में, तो ऐसा नहीं होता है गाइस। इसी के साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स की मैं व्हाट्सएप पर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम राजस्थान जीके हम कैसे प्रिपेयर करें, और इसी के साथ पेपर अक्टूबर में हो गया नहीं, तो मैं दोनों बातें बता दूं आपको। राजस्थान जीके के लिए गाइस मैंने पहले ही बताया पनोरमा लक्ष्य फॉलो कर सकते हैं, करंट जीके में आपको आर्थिक समीक्षा, इस साल का बजट, और इसी के साथ मूमल क्रोनोलॉजी, और यूट्यूब पर जो करंट के कुछ बहुत अच्छे टीचर्स हैं उन्होंने वीडियोज़ पोस्ट कर रखे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ पेपर अक्टूबर में होगा या नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन मोस्ट प्रोबेबली 5 से 7 दिन में हमें मिल जानी चाहिए, मे बी कल परसों ही मिल जाए या फिर 10 तारीख तक, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जानी चाहिए, क्योंकि आरपीएससी अपना कैलेंडर जो है वो जारी कर सकता है। 1 अक्टूबर को आरएएस के एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए अभी कोई डेट सामने आई नहीं है, बट कुछ जो कैंडिडेट्स हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि अक्टूबर में पेपर होगा ही होगा, तो वो सब बातों में हमें नहीं पढ़ना है। हमें अभी जो करंटली फोकस करना है ना वो इस बात पे फोकस करना है कि हाँ हमारे सामने एक्सपेक्टेड डेट आरपीएससी ने अक्टूबर बताई थी और हमें उसी को लेकर तैयारी करनी है। अब चाहे अक्टूबर में पेपर होता है या नहीं होता, फिर कब होगा, तो एक प्रोबेबिलिटी लेके चल सकता है जनवरी या फरवरी की, अगर अक्टूबर में नहीं होता है तो ठीक है, बट अभी के लिए आप प्लीज़ ये मान के चलें कि हमारा अक्टूबर में पेपर है, जब तक कि जो हमारी अथॉरिटी आरपीएससी वो बिल्कुल जो चीज़ें हैं क्लियर नहीं कर देती तब तक हम मनगढ़ंत कुछ बात कहेंगे नहीं, और जैसे ही टाइम टेबल रिवील होता है तो ऑब्वियसली बात है कि आपके पास सबसे पहले होगा, और उसी के लिए आपको जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो क्विक आपको मिल जाए और किसी भी तरह की अपडेट आपसे मिस ना हो। एक और क्वेश्चन जो कैंडिडेट्स बेसिकली मुझसे कहते थे मैम, राजस्थान यूनिवर्सिटी का और एक एमजीएसयू बीकानेर का जो 2 अपकमिंग पीएचडी एंट्रेंसेज हैं, तो मैं आपको बता दूंगा इसकी बहुत अच्छे चांसेस थे लास्ट ईयर दिसंबर में आने के, फिर नहीं आया, और उसी के साथ सिंडिकेट की जो आरयू है मीटिंग हुई थी, और इनफैक्ट वहाँ के लोगों ने खुद ने कहा था कि 10 दिन में फॉर्म निकाल देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो आप ये मान के चलो 2 से 3 महीने लग सकते हैं अभी फॉर्म आने में। एग्जिट क्या रहेगा, अगस्त सितंबर नहीं कह सकते, आने को अगस्त में भी आ जाए, आने को सितंबर तक भी चल जाए, ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। अभी अपना जो फोकस है वो बेसिकली आप एपी पर करें, और इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा है ईएफएम, उसका हमने देख लिया कि कौन से उसमें कितना फॉर्म भरा, और नेक्स्ट पे हम बात करते हैं इंग्लिश में कितने फॉर्म्स फिल किए गए हैं, तो इंग्लिश की हम बात करते हैं गाइस, 153 टोटल सीट्स पर 7,836 जो हैं वो आपके फॉर्म्स फिल किए गए हैं। कैटेगरी की बात कर लेते हैं, एसटी कैटेगरी में है 745 और एससी कैटेगरी में 1,035, ओबीसी नॉन क्रीमी में है 2,454,
और इसी के साथ जनरल में बात करते हैं तो 2726 एंड ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 646 फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, कंपटीशन आपके सामने इतने लोगों के साथ है। एबीएसटी की बात करते हैं तो एबीएसटी में सीट्स हैं 86, टोटल फॉर्म फिल किए गए हैं 666 एंड 5, यानी कि 6665। कैटेगरी की बात करते हैं, एसटी कैटेगरी 313 फॉर्म भरे गए हैं, एससी कैटेगरी 587 फॉर्म भरे गए हैं, और इसी के साथ ओबीसी नॉन क्रीमी 2131 फॉर्म्स, और जनरल कैटेगरी में बात करें तो 2537। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर में यहाँ पर कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया है, 938 फॉर्म्स यहाँ पर फिल हुए हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर में एबीएसटी, ईएफएम और बीएडीए में कुछ कैंडिडेट ऐसे भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट्स में फॉर्म फिल किया है, और इसी के साथ एलिजिबिलिटी हो सकता है कि उनकी ऑब्वियसली बात है किसी न किसी एक सब्जेक्ट के लिए होगी, और कुछ की हो सकता है कि जो नई उन्होंने टर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग तीनों में भी हो जाए, तो वो चीज़ें बात की बात है। बट हाँ, कुछ फॉर्म्स और कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पर डैम श्योर कॉमन हैं, जिन्होंने बहुत कॉमन तीनों सब्जेक्ट्स में फॉर्म फिल किया, क्योंकि काफ़ी सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने तो मुझसे ही पूछ के चीज़ की थी कि मैम क्या हम तीनों में फिल कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे नंबर के कैंडिडेट्स थे ये भी। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर कुछ फॉर्म्स हैं जो रिपीट हुए, तो ऑब्वियसली बात है कि तीनों में तो अगर क्लियर करते हैं तो वो लोग कोई 100 में से 2-4-5 ही मिलेंगे, सबने अगर तीनों में फॉर्म फिल किया तो रेयर चांस है कि वो तीनों में क्रैक कर जाएँ। बट ठीक है, विश यू गुड लक, अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हिंदी में अगर हम बात करते हैं गाइस, तो हिंदी में काफ़ी अच्छी सीट्स हैं, 214 सीट्स यहाँ पर हैं, और इसी के साथ फॉर्म की जो नंबरिंग है वो भी बहुत अच्छी है, 30,540 बच्चों ने का फॉर्म भरा है। और इसी के साथ हम बात करते हैं कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी 3,084 फॉर्म, और इसी के साथ जो आपकी एससी कैटेगरी है 4,905, ओबीसी नॉन क्रीमी 12,020 फॉर्म है, और इसी के साथ जनरल की बात करते हैं तो जनरल से ज़्यादा ओबीसी ने फॉर्म भरा है, और जनरल में आपके 7,116, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस में 2,121। और इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस की हम बात करें 181 सीट्स हैं हमारे पास, और 26,199 फॉर्म गाइस यहाँ पर भरे गए हैं, ठीक है। इसी के साथ कैटेगरी में हम देख लेते हैं, एसटी में आपका 2,520, ओबीसी नॉन क्रीमी 11,290, एससी 4,108, और इसी के साथ हम बात करें तो जनरल में आपका 253, और जो ईडब्ल्यूएस 1,819 फॉर्म आपके यहाँ पर भरे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 45 सीटों पर 1,876 फॉर्म, शायद अब तक के जो हमने नोटिस करा है डेटा उसमें तो सबसे कम फॉर्म इसी सब्जेक्ट में भरे गए हैं। एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 208 फॉर्म है, एससी में 276। नेक्स्ट है ओबीसी नॉन क्रीमी 588, और इसी के साथ हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस 134, जनरल में 613। लाइब्रेरी साइंस मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, बट वहाँ पर एक सीट के लिए 900 के आसपास फॉर्म्स आए हैं, और यहाँ पर मेरे पास जो अभी करंट डेटा है उसमें लास्ट मैंने जो सब्जेक्ट लिया है वो लिया है संस्कृत। अगर इसकी सीट्स की बात करें तो 76 सीट्स हैं और 7,352 फॉर्म भरे गए हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 939 बच्चों ने, जनरल में 2,011 ने, और इसी के साथ ओबीसी नॉन क्रीमी में 2,153, एससी 1,064 और एसटी 900 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिल किया है। टोटल 2,00,000 के आसपास फॉर्म्स भरे गए हैं, ये नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। और इसी के साथ आरएएस का भी यहाँ पर जो है डेटा था, बट वो मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स का फोकस अगर एपी पे है तो बेटर है कि मैं जो कैंडिडेट्स का फोकस है उसको ब्रेक ना होने दूँ, और एपी पर ही बना के रखें, इसलिए मैंने आरएएस का डेटा यहाँ पर करा नहीं है पोस्ट, तो मैं उसको टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगी। जिन कैंडिडेट्स ने आरएएस का फॉर्म भरा है वो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने फॉर्म फिल हुए हैं, बट वहाँ पर एक बहुत वाइड नंबर ऑफ फॉर्म फिल हुए हैं, तो उन चीज़ों का कोई इतना खास फर्क पड़ने वाला नहीं है कि कितना फॉर्म फिल हुआ है, वहाँ तो लाखों में फॉर्म फिल हुए हैं हम किसी भी कैटेगरी की बात करते हैं। तो सो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही था, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम किस सब्जेक्ट में कितने हैं, तो मैंने ट्राई करा कि जो मेन सब्जेक्ट से वो मैं इंक्लूड कर पाऊँ ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो। अब बात कर लेते हैं कि इस पीडीएफ को कैसे ले सकते हैं। जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पर बताए हैं उनकी पीडीएफ तो गाइस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। रिमेनिंग जिन कैंडिडेट्स के सब्जेक्ट्स रह गए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी गाइस कि मैं आपको आपके सब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पाई, ऐसी बात नहीं है कि कोई वैल्यू नहीं है, मतलब एवरी सब्जेक्ट इज़ इक्वल वी कैन से, बट वीडियो की लेंथ वगैरह के अकॉर्डिंग मैंने कुछ जो मेन सब्जेक्ट्स जिनकी खास का डिमांड रहती है उनको यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। अब आपको जानने के लिए करना क्या है, अपना एसएसओ पोर्टल खोलना है, ठीक है, इसके बाद रिक्रूटमेंट में जाना है, रिक्रूटमेंट के बाद माय एप्लीकेशन, और उसमें जब आप माय एप्लीकेशन में जाएंगे तो आरपीएससी का जिस भी सब्जेक्ट में आपने फॉर्म फिल किया है वहाँ पर एप्लीकेशन पर क्लिक ना करके सब्जेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, नया पेज खुलेगा, और पेज पर जब आप जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको नीचे दिख जाएगा कि कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन रिपोर्ट, ठीक है, ऐसा दिख जाएगा आपको। आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर ऑल कैटेगरी आएगी, तो ऑल में तो सब कुछ आ जाएगा, 2,00,000 कैंडिडेट्स का डेटा आ जाएगा।
इसी में सेलेक्ट पोस्ट कीजिएगा, अपना सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा। और इस तरह की पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आप अगर लैपटॉप में खोल रहे हैं तो कंट्रोल प्लस पी यानी कि प्रिंट फॉर्मेट में उसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। वहाँ पर ऐसा कोई भी फॉर्मेट दिया नहीं गया जिससे आप डायरेक्ट सेव कर पाएँ, तो आपको कंट्रोल प्लस पी करके सेव करना पड़ेगा। और आप अपने डेटा को अपने पास सहेज के रख सकते हैं कि यार मेरे सब्जेक्ट में कितने फॉर्म भरे गए। कभी किसी टाइम मोमेंट पर लगे कि कितना कॉम्पिटिशन है, मेरे को कितना ज़्यादा एफर्ट्स करने हैं, तो आप आराम से अपनी कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं। आई होप एंड विश की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। हालांकि बहुत टाइम बाद वीडियो चैनल पर आया है, कोशिश यही रहेगी कि हाँ कुछ कुछ टाइम पे मैं वीडियोस डालती रहूँ, बट एक छोटा सा लिटिल लिटिल ब्रेक चल रहे हैं, क्लियर। तो कुछ टाइम के बाद बैक टू बैक रहूँगी आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों की टीचिंग के लिए, और अपडेट्स तो आपको ऑलवेज मिलते ही रहेंगे, ठीक है। बस आप लोग जितना प्यार दिखाते हैं उतना दिखाते रहें, कॉपरेट करते रहें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप फॉलो कर सकते हैं, हमेशा आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। कुछ भी क्वेरी रहती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर उसके अलावा बहुत डीप क्वेरी रहती है, लगता है कि मैम कमेंट सेक्शन में कहाँ ही पूछेंगे, तो आप व्हाट्सएप पर भी मुझे मैसेज करके उस चीज़ को पूछ सकते हैं, देयर इज़ नो वरी अबाउट इट। बट हाँ, रिप्लाई मिलेगा ज़रूर, क्विकली मिलेगा, बस इसकी गारंटी नहीं है, बट हाँ मिलेगा ज़रूर। जो कैंडिडेट रेगुलर जुड़े हुए हैं वो ये बात जानते हैं कि आई ऑलवेज रिप्लाई, चाहे वो रिप्लाई 1-2-3-4 घंटे लग जाए, बट रिप्लाई ज़रूर मिलता है कैंडिडेट्स को। सो गाइज, स्वस्थ रहें, खुश रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे और आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी सीट वहाँ पर ग्रैब करें। और बहुत जल्द जब भी एग्ज़ाम होता है, आई होप एंड विश कि एग्ज़ाम अगर अक्टूबर में ना हो इन द केस तो जल्दी हो, ताकि जो भी कैंडिडेट्स असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के सपने देख रहे हैं वो भी जल्दी पूरे हो जाएं। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि किस तरीके से बहुत बार जो हमारा आयोग है या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का सिस्टम है वो कितना कितना टाइम ले लेता है। इनफैक्ट 2020 की भर्ती है उसमें भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का रिजल्ट अटका हुआ है, और मैंने अपील भी की थी जो मेरा टेलीग्राम है वहाँ पर लिंक पोस्ट करके कि गाइस जो ट्विटर हैंडल है अपना उसका यूज़ करें। मैंने एक ट्वीट दिया था, उसको आप रीपोस्ट करें, ताकि क्या पता गवर्नमेंट हमारे डिजिटल अवेयरनेस से जाग जाए और रिजल्ट जो है उसको निकाल दे, ताकि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, अपने प्रीवियस एग्ज़ाम का जो रिमेनिंग सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हैं वो अपने जो मार्क्स हैं उनको देख सकें। क्योंकि जब तक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आरपीएससी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स भी जारी नहीं करेगी। तो बाकी जो सब्जेक्ट के लोग हैं वो भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वालों की हेल्प कर सकते हैं रीट्वीट करके, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए, ताकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पे जो प्रॉब्लम है कैंडिडेट्स पर, ऑब्वियसली बात है बहुत सारे कैंडिडेट्स प्रिपरेशन नहीं भी कर पा रहे हैं इस वजह से कि क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं, ऑब्वियसली बात है कि माइंड में रहती है सब चीज़ें। तो जितना जल्दी क्लियर होगा तो बीएडीएम वालों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, साथ ही साथ जो और सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हैं ना उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि उनको उनके प्रीवियस मार्क्स मालूम चल जाएंगे। मेनली तो जिन्होंने इंटरव्यू दिया था ना उनके मार्क्स वहाँ पर रिवील हो जाएंगे। सो गाइस, जल्द मिलेंगे नई वीडियो जो कि ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ टॉपिक पर रहेगी और आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपनों की तरफ मेरे साथ आगे बढ़ते रहें।